रही। अच्छा, करना क्या है कि जैसे पहले अभी तक हमने जो कंडीशंस पढ़ी थी, इस तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो होती हैं, जो आप नॉर्मली इफ एल्स कहते हैं, उसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं कि हम एक मार्कशीट बना लेते हैं जिसमें सारी चीज़ें मिक्स होकर आ जाएंगी। इनपुट भी आ जाएगा यूज़र से, कंडीशन वेरीफाई भी हो जाएगी और प्रिंट स्टेटमेंट भी आ जाएगी। तो किस तरीके से बनेगा इसको, आप आके यहाँ से एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल। और सबसे पहला काम, अब यहाँ पे कोई लाइब्रेरी अलग से इम्पोर्ट नहीं करवानी है, तो आप बात कर रहे हैं तो क्योंकि ये इसका अपना बिल्ट इन फंक्शन सारे इस्तेमाल हो रहे हैं इस वजह से, तो प्रिंट पहले आप करवा लें। यहाँ पे आके आप कोई भी कंडीशन दे दें इसको, लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है, इस तरीके से मैंने पास करवा दिया। अब उसके बाद आपने क्या किया, कॉलन यहाँ पे लगा दें और इसको ऐसे ही छोड़ दें, एंटर करें। सेकंड थिंग ये कि जब आप बात कर रहे हो कि किसी भी जगह पे आपने कॉल करवाना है, तो एक कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा लें। मैंने कहा पांच स्टेटमेंट्स हैं तो पांच वेरिएबल्स आप पास करवा दें, तो मैंने यहाँ पे लेट सपोज के मार्क्स दे दिए फिजिक्स। अब जब मैं बात कर रहा हूँ इज इक्वल्स टू, अब ज़रा गौर कीजिएगा कि जब मैं पहले सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ या पहले उसकी बात कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे इनपुट लेना है। तो इनपुट लेने के लिए आप क्या करेंगे, इस तरीके से इनपुट फॉर्मेट दे दिया कंस्ट्रक्टर, और उसके अंदर फिर एक और बार इनपुट पास करवाया जो लास्ट टाइम हमने देखा था, इस तरीके से आपने पास करवा के छोड़ दिया इसको। इसी को कॉपी कर लें, पेस्ट पेस्ट एंड पेस्ट कुछ इस तरीके से दे दें, इसका नाम मैथ्स दे दीजिए। ये पास करवा दीजिए आप यहाँ पर। और लास्ट में आप दे दें यहाँ पर, ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पास करवा दिए। एक और वेरिएबल डिक्लेयर करवाइए, लेट सपोज के टोटल इज इक्वल टू सारे सब्जेक्ट्स को मार्क्स को प्लस करवा दीजिए। तो किस तरीके से आप डायरेक्टली इसको कॉल करवाएं, यहाँ से कॉपी करिए पेस्ट प्लस प्लस उर्दू, कॉपी पेस्ट प्लस इंग्लिश, कॉपी एंड पेस्ट प्लस कंप्यूटर, कॉपी एंड पेस्ट। अच्छा, ये तो आपने प्लस करवा दिया, और साथ में आप क्या करें एक एवरेज निकाल लें। तो आपने एवरेज रिक्वेस्ट इस तरह से पास करवा दिया, और टोटल को डिवाइडेड बाय किससे करवा दिया, फाइव से करवा दीजिए इसको, क्योंकि टोटल पांच सब्जेक्ट्स थे। अब आती है असल चीज़ यहाँ पे, कंडीशंस। तो कंडीशन कैसे अप्लाई होगी, तो पहले इफ तो ऐसे ही पास हो जाएगा, और उस वेरिएबल का आपने नाम दे दिया यहाँ पर, तो इफ वेरिएबल कॉपी किया यहाँ पेस्ट किया विदाउट एनी ब्रैकेट, आपने यहाँ पे कहा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और यहाँ पे आपने कंडीशन बता दी इसको। तो मैंने कहा कि क्या हो, लेट सपोज कि मैंने किया 90 एंड, तो एंड के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पे ये पास करवा देते हैं ऑपरेटर्स में, और साथ साथ आपने कहा कि दोबारा इसको कॉपी करें पेस्ट, और मैंने एक कंडीशन दी कि वो क्या हो, लेस देन इक्वल्स टू हो, तो लेस देन इक्वल्स टू 100 दे दिया। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली आपने इसको प्रिंट करवा दिया, प्रिंट कंस्ट्रक्टर टर्मिनेटर, सॉरी टर्मिनेटर नहीं, डायरेक्टली इनवर्ट कॉमास में पास करवा दिया। और यहाँ पे आप, अच्छा भाई, उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे आप कर दें योर ग्रेड इज ए प्लस, इस तरीके से पास करवा दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, दोबारा कंडीशन के लिए अब यहाँ पर क्या इस्तेमाल होता है, यहाँ पे एल इफ इस्तेमाल होता है, एल इफ की जगह पे या इफ एल्स की जगह पे, ठीक है। उसके बाद फिर आप दोबारा आइए इस तरीके से, और इसको ही कॉपी कर लें ऊपर से, कॉपी करें यहाँ लाके पेस्ट कीजिए। इसको आप कंडीशन बता दें क्या क्या, आपने कहा कि ग्रेटर देन 80 एंड लेस देन, आप यहाँ पे दे दीजिए इसको 90, इस तरीके से आपने कंडीशन दे दी, ठीक है, आपने कंडीशन दी इसको। अच्छा, मैंने यहाँ पे कॉलन देना भूल गया था, यहाँ पे भी कॉलन लगा दीजिए और एंटर कर लें। ऊपर वाले प्रिंट को कॉपी करें, यहाँ ला के पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ पे आप इसको, हमने अपने तौर पे एक कंडीशन बना दी कि खाली इसको करवा दिया, या आप इसको लेट सपोज के अपनी समझाने के लिए खाली मैंने इसको A1 कर दिया। उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, दोबारा एलिफ को कॉपी करता हूँ यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आप साथ साथ, अच्छा, इसके बाद आपने क्या किया, कंडीशन बता दी अगली 70, यहाँ पे आप कंडीशन दे दें 80, कॉपी कर लीजिए इसको, यहाँ लाके आप पेस्ट कर दें, और इसको आप दे दें यहाँ पर लेट सपोज से खाली ए। तो आप फिर आप नीचे आइए, दोबारा इस वाली कंडीशन को कॉपी कर लें, इसको लाके पेस्ट कर दें, और इसको आप दे दें यहाँ पर ग्रेटर देन 60, और यहाँ पे आप कर दें इसको
हमने ऊपर वाले को 80, सॉरी यहाँ पर आप कर दें इसको 70, या डायरेक्टली अगली कंडीशन कौन सी बन जाएगी यहाँ पर आपके पास, इसको यहाँ पे 60 दे दें और यहाँ पे आप इसको करवा दीजिए इस जगह पे, इसको आप दे दें यहाँ पर 70, ठीक है, ताकि इसके बराबर का हो तो वो डायरेक्टली इसको कॉल करवा ले, और इसको यहाँ से प्रिंट करवा के करवा दीजिए कि अगर इसके दरमियान में आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो बी हो जाएगा, ऐसे पास करवा लीजिए। फिर दोबारा इसको पूरे को ही कॉपी कर लें, ठीक है, रिमेनिंग हम कम ही कंडीशन लगा रहे हैं, इसके बाद इसको एक साथ कर लीजिए, एंटर बैक, ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देख लें कि अगर आप ज़रा से भी कोई सेंटेंस से गलती करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको अलर्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे दोबारा दे दें 50 और यहाँ पास करवा दें आप इसको 60 और इसको आप दे देंगे यहाँ पर सी, और अगर आप इससे भी गए गुजरे हैं तो आप डायरेक्टली क्या करवा लें, और यहाँ पे आप दे दें इसको 50 और मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पे 60, और मैंने कहा कि ये क्राइटेरिया जो है वो इसको कह देंगे डी कर दें इसको, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से मैंने डायरेक्टली पास करवा दिया। अच्छा अब, और यहाँ पे आप दे दें बेटर लक, ठीक है, इस तरीके से मैंने पास करवाया। अब लेकिन अब लास्ट में एक ऑप्शन आपके पास और आएगा, क्यों ये इसको डायरेक्टली फेल कर देते हैं, इसको फेल करवा दें, और उसके बाद मैंने कहा कि डायरेक्टली अगर मैं इस जगह पे दे रहा हूँ तो मैंने क्या किया कि इफ का डायरेक्ट ब्लॉक चल जाएगा नीचे से, तो आपने यहाँ पे क्या कर देना है, मैंने कहा लास्ट कंडीशन मेरे पास बस यही है, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं करना, तो मैंने क्या किया एल्स ऐसे पास करवाया कॉलन, और यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको प्रिंट करवा कर पास करवा दें, तो प्रिंट, और अगर इसके अलावा कोई और यूज़र इनपुट देता है तो आप डायरेक्टली इसको कह देंगे ये इनवैलिड है, ठीक है। तो अच्छा, वो वेरीफाई बिल्कुल आखिर में करेगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से पास करवा दीजिए, जब आप डायरेक्टली प्रिंट करवा रहे होंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसको गेट करेगा और फिर वो पास करवा के दे देगा आपको, ठीक है। चला के देखते हैं इसको, कोई गलती अगर सामने आएगी, मार्क्स आपसे पूछ रहा है वो, तो आपने पहले मार्क्स दिए इस तरीके से, कंडीशन दे दी तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करवा के देगा आपको। लेकिन अगर मैंने क्या किया, लेट सपोज कि मैंने कहा कि दोबारा वो यूजर से इनपुट मैं ले रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे नंबर कुछ इस तरीके से दिया, मैंने इनवैलिड एंट्रीज कर रहा हूँ मैं, तो मुझे वो अलाउ तो कर रहा है लेकिन वो आखिर मुझे अलाउ नहीं करेगा, वो मुझे कह देगा कि ये चीज़ मैंने, तो वो सब कुछ कंसिडर करेगा लेकिन आखिर में थ्रो कर देगा यार, ठीक है।